वाह, जिधर देखो फूल ही फूल, क्या बात है। हाँ बाबूजी, हम लोगों ने सोचा कि आज शाम की पार्टी के लिए घर में चारों तरफ फूल ही फूल हो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कावेरी, वो शाम के लिए केक के लिए ऑर्डर कर दिए? हाँ बाबूजी, शाम को टाइम पर आ जाएगा वो। ओके, महाराज जी ने आज शाम के लिए इमरती बनाई है। हाँ जी, है ना? तो एक इमरती ले आओ। कुछ नहीं होता माजी, कहीं नहीं है, एक ही मर्ती। आदि तुम आदि, जन्मदिन है ना, आफ्टर ऑल हैप्पी डे। मैं देखती हूँ। देखो तुम, बस देखो। अरे ये क्या? क्या? पिछले दो घंटे से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत काम कर रहे हैं। हाँ तो काम तो कर रहा हुआ ना, आज बेटे का जन्मदिन है। भगवान ने ये शुभ दिन इसलिए बनाया है कि सारा परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाए, गाने गाए, मिठाई। ये क्या है? आई मीन कौन है? महाराज जी, क्या बात है, देखे। उन्हें बड़का भैया, ये तो एकदम हरना हो गया भैया। अब तो महाराज जी को कुक या बटल बुलाना पड़ेगा। मालिक देखिए, आपकी वजह से सब हमारा मजाक बना रहे हैं। कहाँ मजाक बना रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, खूबसूरत, इतने प्रीटी लग रहे हैं आप। आपे का तो हुकुम था मालिक। बाबूजी, बाबूजी आप ही ने तो कहा था कि महाराज को मेरा पुराना वाला सूट पहना दो, ताकि लोगों को लगे कि आज ये नहा कर आया है। मैंने कहा था, मैंने कहा था, क्या है कि पुराना सूट अगर आप पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा ना, और लग रहे हैं महाराज जी। मालिक ये आंख मार रहा था, ये का तक वो किसी और बात के लिए मार रहा था। नहीं नहीं, देखिए सच्ची बताइए, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा ठीक है, आप सर पर हाथ रख करके बाके बिहारी की कसम खा कर बोलिए कोनो गड़बड़ नहीं है, आप ही कहे थे। सर पे हाथ रख दिया, कसम खा ली, बाके बिहारी की कोनो गड़बड़ नहीं है। किसके सर पे? हमारे एक पार पे हाथ रखिए भाई। अरे एक ही बात है ना महाराज जी। नहीं नहीं, आप हमारे सर पे हाथ रखिए। चल गया, चमेली का तेल बहुत लगा महाराज। अच्छा ठीक है, काम कीजिए ना, तनी ऊपर रख लीजिएगा। ऊपर चलेगा? हाँ चलेगा। तो हम आपके सर के 1.5 इंच ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि हमने। हाँ, मैं बाहर गाड़ी से सामान निकाल सामान ले आओ, वो बेटर आइडिया है मेरे ख्याल से। पहले मालिक को कसम खाने दो। चलिए, अरे खा तो नहीं, आप कितनी बार खिलवाओगे? कावेरी, अब तक तैयार नहीं हुई तुम? बस 2 मिनट। 20 मिनट पहले भी यही कहा था, 2 मिनट। चलो, हॉल में लोग इंतजार कर रहे हैं, अविनाश किसी भी वक्त आ सकता है। प्रतीक, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ कहो। क्या क्या तुम अपना फैसला नहीं बदल सकते? कैसा फैसला? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ते आए, और मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर भी करती हूँ, लेकिन ये अग्रवाल मिल्स के जो वर्कर हैं उनकी हड़ताल। कावेरी, ये सारी बातें हम कल नहीं कर सकते। हाँ लेकिन कावेरी, लोग इंतजार कर रहे हैं, अविनाश जल्दी आ जाएगा। चलो चलो, कम ऑन। देखो पापा के केक के कैंडल जल गए। अच्छा कितने बरस के हुए होंगे बेटा? एक साल। ये जानने की जरूरत नहीं है चाचा जी, मैं कितने बरस का हूँ। 30 तो हो गए होंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है 30 या 60 का? भाई इसके करेक्ट उम्र मुझे नहीं मालूम होगी तो। चलो एक मिनट, रिमझिम कहाँ है? बाबूजी, हम यहाँ हैं।
निखा पापा को प्रसाद खिलाओ। हमारे पास आओ। अब केक काटे। अरे लो, इसमें पूछने क्या बात? भाई जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है बिटुआ, उसे ही खिलाएगा। क्यों करते भैया? हाँ बिल्कुल। भाभी सोचिए कि प्रतीक भैया आपसे नाराज है और आपको भैया को मनाना है, तो आप क्या कहेंगी, कैसे कहेंगी, उन्हें कैसे मनाएंगी? मुझे मुझे सॉरी प्रतीक, चाय में शक्कर ज्यादा गिर गई थी। ज्यादा? कावेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच चम्मच ज्यादा? तुम मुझे मारना चाहती हो? आई नो दैट। मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय बना के लाती हूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम ऐसी हो। अरे तुम नहीं जानते, यू नो मैं बाहर जाती हूँ, वहाँ ऐसी गंदी चाय मिलती है, मुझे आदत सी हो गई गंदी चाय पीने की। तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? घूमने नहीं जाती, काम से जाती हूँ। ऐसा कौन सा काम है घर छोड़ के बार बार बाहर जाना पड़ता है? हेलो, प्रोफेशनल मजबूरी। हाँ प्रोफेशनल मजबूरी, ये कहो पर्सनल मजबूरी। मैं जानता हूँ बार बार बाहर रहना चाहती हो। अरे इतने दिन बाहर रहती हो, कम से कम एक फोन नहीं कर सकती? डरती हूँ तुम्हारे इसी एटीट्यूड से, डरती हूँ कि पता ही तुम मुझे कब कौन सा ताना दे दो। डरती हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम यहां रहना नहीं चाहती, मेरे साथ रहना नहीं चाहती? क्योंकि मैं एक कामयाब आदमी नहीं हूं ना, अपनी तरह जीता हूं, अपने उसूलों के साथ जीता हूं, ईमानदारी के साथ जीता हूं, किसी की मदद नहीं लेता मैं, इसलिए मेरे साथ रहना नहीं चाहती तुम। तुम यहां सफोकेट होती हो, साफ साफ यह क्यों नहीं कहती तुम? यही कहना चाहती थी ना तुम? Stop it. Stop it, प्रतीक, तुम जानते हो तुम्हारे इस बिहेवियर से मैं कितनी हर्ट होती हूं। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से हमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं दूरियां इतनी ना बढ़ जाए कि क्या लगता तुमसे दूर रहकर मैं खुश रहती? तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती। आई लव यू सो मच। तुमसे दूर रहना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। I love you, प्रतीक। I love you too, कावेरी। I love you very much.
साथ में कोई एक्टिंग भी बीच में आ गए। कमान महाराज जी, गुड गुड में आया कन्हैया, आई महाराज, आई महाराज, इंडिया माय कंट्री। सुनाइए भाभी जी सजा। हाँ ये बताइए, ऐसे ही पति के बगैर सजा भुगत रही हैं। जी आप बताइए। मेरा बेटा विदेश गया है और मैं देखती हूँ कि यशोदा बहुत चुप चुप रहती है, बहुत मायूस रहती है। तो यशोदा तुम अपने विरह बताओ गाना गा के। म्यूजिक ओके बैठिए। आपकी बात। गोपाल जी, मैं एक बहुत ही छोटा साधना सा आदमी हूं, लेकिन आज आप साक्षात सामने खड़े हैं और मुझे ये आदेश है कि आपसे मैं कुछ मांगू। किस मुंह से मांगू प्रभु, सब कुछ तो दिया है आपने। एक छोटे से आदमी को तो वक्त की रोटी दी, तन रखने को अच्छा कपड़ा दिया, मकान दिया, एक रुतबा दिया, शोहरत दी, बड़ा पूरा परिवार दिया। प्रभु लोगों को तो मरने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मुझे तो जीते जी इस धरती पर स्वर्ग का आनंद मिला। लेकिन चूंकि आपका आपका आदेश है प्रभु, तो एक वरदान मैं आपसे मांगता हूं, देना प्रभु। प्रभु मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में भी प्रभु मुझे यही परिवार मिले। ईरावती मेरी धर्मपत्नी हो, अविनाश मेरा बेटा हो, प्रतीक मेरा बेटा हो, राकेश जो विदेश गया हो मेरा बेटा हो, इतनी सुंदर सुशील आज्ञाकारी बहुएं हो, महाराज जी हो, खान हो, अनुराग जैसा दामाद हो, जयंती जैसी बेटी हो, दुर्गा जैसा भाई हो, और प्रभु रिमझिम के रूप में मुझे बेटी देना, वरना अगला जन्म ही मत देना।